पुष्कर की हनुमान गली स्थित जेएमएस पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित सांस्कृतिक सप्ताह के तहत मंगलवार को आनंदम गार्डन में नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति को साकार करते गानों की धुनों पर नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जेएमएस पब्लिक स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के साथ ही उनकी कला प्रतिभा को निखारने हेतु प्रतिवर्ष सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन होता है, जिसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है। वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन करा है आनंदम गार्डन पुष्कर में, जिसमें 7 दिवस में विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है, जैसे प्रथम दिवस गायन का, डांस का, और सेकंड डे हम लोग फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, देन फिर डिबेट, देन फिर फाइनल कार्निवल। इस तरीके से 7 दिवस में अलग अलग गतिविधियां कराते हैं, और जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चा स्टेज पर आना सीखता है, उसका एजुकेशन दूर होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हम लोग प्रयास करते हैं इस प्रकार के आयोजन करने का। आज का कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम है सर इनका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, जिसमें बच्चे विविध, जैसे छोटे बच्चे हैं वो कार्टून्स बन के आए हैं, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है वो फास्ट फूड बन के आए हैं, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट प्रोफेशनल्स बन के आए हैं, थर्ड क्लास के स्टूडेंट नेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स बनाकर लाए हैं, फोर्थ क्लास के स्टूडेंट एंड्रॉइड फोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम्स बना के लेके आए हैं, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर्स बन के आए हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट एक फैशन शो जो कि आपने देखा भी बड़ा अच्छा था। तो इस तरीके से विविध गतिविधि का आयोजन। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।